Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about a suspension therapy. This topic is very important for exam point of view and clinically भी ये बहुत ज़्यादा important है. इसका practical भी आपको करना बहुत ज़्यादा important रहता है. तो suspension therapy basically होता क्या है वो समझेंगे, इसके introduction, इसके principles देखेंगे और इसका aims क्या है, therapy देने का हमारा aims क्या है, क्या advantage है, disadvantage क्या क्या है, क्या क्या uses है suspension therapy के, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे. लास्ट का जो वीडियोस थे उसमें हमने रिलैक्सेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो लेट्स स्टार्ट दिस सस्पेंशन थेरेपी. सस्पेंशन मीन्स क्या होते हैं कि हम अपनी बॉडी होती है उसे हम एम्बुलेट करते हैं, हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोप और ए स्लिंग्स, जिसमें कि हमारी जो बॉडी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी के, ग्रेविटी के एलिमिनेट वहाँ पे हम मूवमेंट्स कराते हैं. जैसे कोई पर्सन है उसे मूवमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स है, पेन हो रहा है, तो हम उस टाइम सस्पेंशन थेरेपी से उसे हम थेरेपी दे सकते हैं सस्पेंशन के थ्रू, जिसमें कि जो जो भी मूवमेंट्स है वो विद द हेल्प ऑफ द रोप और स्लिंग्स तो मूवमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा. ओके, तो ये एक सस्पेंशन थेरेपी का एक फ्रेमवर्क होता है. उसमें कुछ स्लिंग्स होती हैं, रोप्स होती हैं, क्लीट होते हैं, एस हुक होता है, डॉग हुक होता है, तो ये सारा कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हो. तो ये हमारी थेरेपी का पूरा एक फ्रेमवर्क होता है. ओके, तो सस्पेंशन थेरेपी बेसिकली है कि एक इस टाइप की स्पेशल टेक्निक है एक्सरसाइज थेरेपी में, जो कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड इन एयर, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सस्पेंड करती है एयर में, एंड विद द हेल्प ऑफ द रोप्स एंड स्लिंग्स अटैच ए फिक्स पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट से हम एक रोप और स्लिंग को अटैच करा के अपने जो भी बॉडी पार्ट्स है जिसका भी मूवमेंट्स कराना है उसे हम सस्पेंड कर देते हैं एयर में, और उसे ही हम बोलते हैं सस्पेंशन थेरेपी, और उसमें हम एक्सरसाइज कराते हैं पर्सन को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्पेंशन इज मीन्स वाई विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर सपोर्टेड इन स्लिंग. मीन्स सस्पेंशन में होते कि जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक स्लिंग्स के थ्रू सपोर्ट में रहता है एंड रोप्स से वो एलिवेट होता है, एंड एलिवेटेड यूज बैरिएबल लेंथ. एक बैरिएबल लेंथ होती है, मीन्स हम लेंथ को एडजस्टेबल कर सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग. रोप फिक्स होती है एक पॉइंट पे अब अप टू द बॉडी. ओके, तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन थेरेपी के मींस, मीन सस्पेंशन होते क्या है बेसिकली. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट परमिट फ्री मूवमेंट्स विदाउट रेजिस्टेंस. तो ये क्या कराता है, जो भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे विदाउट रेजिस्टेंस होते हैं, और इसमें हम पेशेंट को प्रमोट कराते हैं फीलिंग ऑफ द वेटलेसनेस. मीन्स पर्सन को ऐसा फील हो, ऐसा मतलब अपने बॉडी जो लिम्ब है जिसे हमने एलिवेट किया है, सस्पेंड किया है, उसका कोई भी वेट ही फील नहीं होता है, वेटलेसनेस होता है. तो पेन फ्री मूवमेंट्स हो रहा है तो हम सस्पेंशन थेरेपी देंगे तो उसमें पर्सन को पेन बहुत कम होगा, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स है तो सस्पेंशन थेरेपी के हेल्प से हम उसे मूवमेंट्स करा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्पेंशन. तो जो प्रिंसिपल होते हैं, जब मीन्स कोई भी थेरेपी हम देते हैं उसको जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा फ्रिक्शन है, सेकेंड है हमारा पेंडुलम, और थर्ड हमारा एक प्रिंसिपल है जैसे ग्रेविटी एलिमिनेटेड सस्पेंशन थेरेपी होता है. ओके, तो वन बाई वन सारे प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके क्या यूजेस हैं वो भी समझेंगे कि क्यों इसके बेस्ट पे हम सस्पेंशन थेरेपी को दे रहे हैं. तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम जब हमारी एक स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पे हम जब वॉक करते हैं वहाँ पे स्लिपरिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. इस तो हमारा फ्रिक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे रफ एरिया होता है थोड़ा सा, तो हम आराम से इजीली मूवमेंट्स कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारा होता है नॉर्मल पोजिशन में. अब हम क्या फ्रिक्शन में यहाँ पे हम क्यों समझेंगे कि जब भी हम मूवमेंट्स मीन्स हमें मूवमेंट्स कराना है, सपोज करते हैं हम बेड पे पेशेंट को लाइंग पोजिशन में रख के हम वहाँ पे उसे मूवमेंट्स करा रहे हैं, कोई भी वर्टिकल मूवमेंट्स हो गया, पेंडुलर मूवमेंट्स हो गया, इस टाइप का हम मूवमेंट्स करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बेड से और उसकी क्लॉथिंग से रिस्ट्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन क्रिएट होगा. तो इससे क्या होगा, पेनफुल मूवमेंट्स भी हो सकता है, पर्सन थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा मूवमेंट्स कराने में. तो हम यहाँ पे इजी मूवमेंट्स कराने के लिए ट्राई करेंगे तो हम एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करेंगे जो कि फ्रिक्शन से फ्री होना चाहिए. स्मूथ सरफेस जैसे कि हम जब वॉक करते हैं, सपोज करते हैं हमारे जो सरफेस है ग्राउंड है वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, और हम उस पर जब नॉर्मली हम मूवमेंट्स करते हैं, चलते वॉक करते हैं, तो हम आराम से वहाँ चल सकते हैं. अब सपोज वहाँ पे कोई पानी फैला हुआ है,
हमारा वहाँ क्या होगा, स्लिपरी मूवमेंट्स हो जाएगा, हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है, जब हम स्लिंग्स का यूज़ करेंगे तो स्लिंग्स क्या होती है, बहुत स्मूथ होती है। स्मूथ होने की वजह से तो हमारा जो मूवमेंट्स है वो बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारी जो स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत स्लिंग्स इस टाइप की होती है, आपको मैं बता दूँ, तो ये हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट देते हैं, दोनों साइड से सपोर्ट देते हैं, बीच में हमारा लिंब होता है। तो ये सपोर्ट, यदि हमारी ये रफ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें जो मूवमेंट्स रखना है वो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट्स रखना है। ओके, तो इफ द सर्फेस आर मोर स्मूथ एंड स्लिपरी, जब स्मूथ होगी तो हमारा स्लिपरी वॉकिंग, स्लिपरी मूवमेंट्स होगा, तो हाउ द लेस फ्रिक्शन एंड इजी मूवमेंट्स, जितना कम हमारा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा इजी हम मूवमेंट्स कर सकेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जिसका सरफेस जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और रफ होगा तो वहाँ पे हमारी बॉडी को फोर्स भी लगाना पड़ेगा मूवमेंट्स कराने के लिए। और पहले से ही जो पेशेंट है उसकी कंडीशन है वो पहले से ही ख़राब है, उसे पेन हो रहा है मूवमेंट्स कराने में, तो हमें क्या करना है, वहाँ की जो सरफेस है उसे बहुत स्मूथ रखना है, फोर्स फ्री रखना है, जिसमें कि बॉडी इजी मूवमेंट्स कर सके। तो फोर्स विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स जो फोर्स हम बॉडी से लगाते हैं वो क्या करता है, हमारे रिस्ट्रिक्शन करता है मूवमेंट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इजी एंड स्मूथ मूवमेंट, तो फ्रिक्शन क्या करता है कि हमारे इजी और स्मूथ मूवमेंट्स कराने में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप आप फ्रिक्शन का समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं पेंडुलम्स के बारे में। तो पेंडुलम में क्या होता है कि हम इसका जो यूज़ करते हैं वो हम हैवी मटेरियल और हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करते हैं हिप जॉइंट हो गया, पैल्विक एरिया हो गया, थॉरेसिक एरिया हो गया, शोल्डर गर्डल हो गया, तो इन एरिया पे हमें जो हैवी वेट होता है तो इन्हें हमें सस्पेंड करने के लिए वहाँ पे हम पेंडुलम का यूज़ करते हैं। हैवी मटेरियल सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो हम हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सस्पेंड करते हैं कि वेटलेस थ्रेड के द्वारा, हम जो भी रोप और थ्रेड यूज़ कर रहे हो वेटलेस होनी चाहिए, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पे वहाँ पे मूवमेंट्स करने लगे, जो कम मूवमेंट्स होगा एक टाइप से वहाँ पे ऑसिलेशन मूवमेंट्स होगा। सपोज यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये हमारा पेंडुलम मीन्स यहाँ पे एक हमारा फ्रेमवर्क है, और ये हमारा एक सस्पेंशन में स्लिंग्स हो गया, ये रोप हो गई, स्लिंग्स हो गया, जो कि हमारे हैंड को सस्पेंड किए हुए, शोल्डर को सस्पेंड किए हुए, ठीक है। तो शोल्डर को सस्पेंड के थोड़ा सा जो पेशेंट है उसने, सॉरी थोड़ा जो थेरेपिस्ट है उसने थोड़ा सा एक्टिवली फोर्स लगाया तो वहाँ पर पेंडुलम मूवमेंट्स होने लगता है। थोड़ी देर के लिए हमारा हैंड जो होगा इस मूवमेंट्स में जाएगा, थोड़ी देर के लिए हमारा हैंड है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पेंडुलम मूवमेंट्स हो गया, एक ऑसिलेशन कवर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कर्व लाइक, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बीच का ऑसिलेशन हो गया। तो इसे हम कहते हैं जो कम्प्लीटली श्रिंक करता है हमारा हेल्थ, तो वो होता है हमारा ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन होता है वो कंटिन्यू होता है जब तक कि उसके उस पर हमारा जो फोर्स लगा हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे समझें, इट हैवी मटेरियल सस्पेंड बाई वेटलेस थ्रेड, जो भी हम हैवी मटेरियल मीन्स हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, थोरेसिक एरिया हो गया, तो इसे सस्पेंड करने के लिए क्या करना होगा कि हम पेंडुलम का यूज़ करेंगे, जो कि वेटलेस थ्रेड होगा। इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में क्या जो पेंडुलर मोशन होता है अगर मेड इन शोल्डर और हिप जॉइंट, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो आपने कभी एक हमेशा हम जब पार्क में जाते हैं छोटे बच्चे होते हैं कि देखा हो झूला झूलते हुए, आप भी झूले हो गए। ओके, कभी बचपन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम झूले पे बैठते हैं थोड़ा सा अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं और हमारा जो ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होने लगता है, हम आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं पीछे आते, तो ये हमारा ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होता है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हम वहाँ फोर्स लगाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा जो झूला होता है वो स्टॉप होने लगता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, तो यही हमारे यहाँ पे होता है पेंडुलम में, जो भी ऑसिलेशन मूवमेंट्स होता है कि वो क्या करता है, कंटिन्यू जब तक उस पर फोर्स लगेगा तब तक कंटिन्यू ऑसिलेशन होगा, और जैसे ही हमारा फोर्स है वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस है हम बंद कर देंगे, जब ग्रेविटी का रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और एयर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो हमारा ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन अप होगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे जो सिंपल मसल्स होती हैं कुछ, जैसे शोल्डर गर्डल पे हम पेंडुलम मूवमेंट्स करा रहे हैं तो हमारी अदर, हमारे आर्म की, हमारे फोर आर्म की मसल्स को भी थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करना पड़ता है इसमें।
ओके तो इसमें हम क्या कुछ इसके जो ये जो पूरा पेंडुलम का मैकेनिज्म है वो हम कुछ मसल्स पे मींस अपनी बॉडी पे भी इसे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो इसके क्या क्या यूज है वो समझते हैं। फर्स्ट जो हमारे यूज टू मेंटेन मसल्स प्रॉपर्टी, इसका काम होता है कि हमारे जो मसल्स प्रॉपर्टी, मसल्स का जो काम है कॉन्टेक्ट रिलैक्स कराना, तो उसे ये मेंटेन कराता है। एंड रेंज ऑफ मोशन हमारी है, जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसे इंक्रीज कराने की कोशिश करता है। मीन्स जो पहले रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स हो रहा था वो धीरे धीरे क्या होगा, फिर से अपना फ्रीली मूवमेंट्स होने लगेगा, जिससे कि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। एंड इन स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, और हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया पेंडुलम मूवमेंट्स के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा पेंडुलम मूवमेंट्स का प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्क क्या है, क्यों हम पेंडुलम मूवमेंट्स कराते हैं। मीन्स हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज कराने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कराने के लिए, मसल्स की प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करने के लिए हम पेंडुलम मूवमेंट्स कराते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट्स, ग्रेविटी के एलिमिनेट मूवमेंट्स कराना है। तो आपके मसल्स में MMT पढ़ा हुआ होगा, मसल्स मैनुअल मसल्स टेस्टिंग, उसमें क्या होता है, ग्रेड होती है, ग्रेड 1 टू 5 ग्रेड होती है। ओके तो जो ग्रेड 5 होती है वो हमारी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारी जो हम जो देखेंगे वो ग्रेड 3 को देखेंगे। तो जो ग्रेड 3 होती है वो हमारे अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट्स कराते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये हमारा अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ओके तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो होती है वो ग्रेड 3 होती है। हमारे जब मसल्स की ग्रेड 3 होगी तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी के मूवमेंट्स करा सकते हैं। उससे ज़्यादा होगी मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ हमारी ग्रेड होगी, तो वहाँ पर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सस्पेंशन थेरेपी का। आप अदर एक्सरसाइज करा सकते हो पेशेंट को, जब ग्रेड 3 से ज्यादा पेशेंट की MMT की ग्रेड होगी। ओके जब ग्रेड 3 से कम होती है तो उस टाइम हम उस पर्सन को सस्पेंशन थेरेपी दे सकते हैं। जब ग्रेड 2 होती है पर्सन की, जो कि ग्रेविटी की एलिमिनेट होती है, वहाँ पे भी हम इसे दे सकते हैं। और जब 2 से भी कम होती है, ग्रेड 3 हुई तब भी दे सकते, ग्रेड 2 है दे सकते हैं। जब ग्रेड 2 से भी कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी का असिस्ट कर रही होती, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रही होती। ग्रेड 2 से भी कम जब होगी तो डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे पर्सन को, जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है, उसे खुद अपना परफॉर्मेंस करने में, सस्पेंशन थेरेपी में खुद से परफॉर्मेंस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो आपको याद रखना है, जब ग्रेड 2 से कम का पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेड 2 से भी कम है, तो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी सस्पेंशन थेरेपी के लिए। जब हमारा पास जो पेशेंट आया हो ग्रेड 3 से ज़्यादा का है, ग्रेड 4 का है, ग्रेड 5 का है, तो उसे हमें सस्पेंशन थेरेपी देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के पेशेंट को सस्पेंशन थेरेपी दे सकते हैं। ओके तो यहाँ से आप समझ गए हो कि हमें जो जो भी पेशेंट है, सो पेशेंट्स को हमें क्या करना है, पेशेंट शुड हैव मिनिमल मसल्स पावर 2 एंड 2 द 3 सस्पेंशन एक्सरसाइज करा सकते हैं हम। तो पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मूवमेंट्स कैन बी इलिमिनेट फॉर पेशेंट विद मसल्स पावर। मीन्स क्या होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है हमारे मूवमेंट्स पे, तो हम वहाँ पे जब इलिमिनेट करते हैं कोई भी मूवमेंट्स को, हम एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाती है हमारी मसल्स पावर के साथ। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 और उससे कम की ग्रेड। ओके अब हम समझते हैं एम्स क्या है, हम क्यों सस्पेंशन थेरेपी करा रहे हैं पेशेंट को। तो हमारा जो एम्स होता है वो हम सब पहले ही समझ चुके हैं, जो जो हमारी रेंज ऑफ मोशन होता है ज्वाइंट की, उसे इम्प्रूव करने के लिए हम थेरेपी देते हैं, मसल्स के स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए देते हैं, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए देते हैं, जो कि हमारे सिग्नल्स जो होते हैं बॉडी को बैलेंसिंग कराते हैं उनके लिए। ओके अब इसके क्या क्या एडवांटेज है सस्पेंशन के वो भी समझ लेते हैं। तो इसके जो एडवांटेज होते हैं हमारा, इट रिड्यूस द बर्डन फॉर अ थेरेपिस्ट। मीन्स जब हम सस्पेंशन थेरेपी देते हैं तो उसमें हाँ जो थेरेपिस्ट होता है उसे मैनुअली वर्क बहुत कम करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, जो थेरेपिस्ट है उसका बर्डन होता है वो रिड्यूस होता है। ओके क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकली वर्क हो रहा है, इजी टू लिफ्ट द लिम्ब। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट का पर्सन आता है, मीन्स उसका मास है, बॉडी मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हैवी हो, थेरेपिस्ट को मूवमेंट्स कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे हमें इजी होगा लिफ्टिंग कराने में लिम्ब को। एंड एक्टिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म इजिली विथ मिनिमम फ्रिक्शन, और यहाँ पे हम एक्टिव मूवमेंट्स करा सकते हैं पेशेंट को,
परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और मिनिमम फ्रैक्शन के साथ, ओके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्ट भी नहीं ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एंड कुछ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इस थेरेपी के, कि ट्रिक मूवमेंट्स, मीन्स ट्रिक मूवमेंट्स क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट्स होता है जो कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब ट्रिक मूवमेंट्स हो गया। आपको कराना था फ्लेक्शन मूवमेंट्स कराना था, उसी के साथ कोई सा मूवमेंट हो गया। आपको कराना था सुपिनेशन प्रोनेशन, उसके साथ में एक ट्रिक मूवमेंट्स हो गया, और वो ट्रिक मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ट्रिक मूवमेंट्स हो सकता है जो कि हमारे लिए सही नहीं है ये, एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, एंड मैनी इक्विपमेंट रिक्वायर, बहुत सारे हमें इस थेरेपी के लिए इक्विपमेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट इज नॉट कंटिन्यूसली अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ थेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट आया है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने जब उसे सस्पेंशन थेरेपी दे दिए, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट है वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है, वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व नहीं करता है पेशेंट को, वो अदर काम भी कर सकता है बीच में, तो ये पेशेंट के लिए डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं सस्पेंशन थेरेपी के। सो यूज है बहुत ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके यूज है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करना, जो कि हम समझ चुके हैं अभी तक, एंड अलाउ मसल्स कॉन्टेक्ट एक्टिवली इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजिशन। और ये क्या करता है, जब ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजिशन में होता है तो वहाँ पे ये मसल्स को कॉन्टेक्ट कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इम्प्रूव ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन, ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करता है। डिक्रीज द पेन, पेन को बहुत कम करता है, पेन फ्री मूव डायरेक्शन में मूवमेंट्स कराता है ये थेरेपी, एंड डिक्रीज मसल्स स्पाजम, हमारी मसल्स के स्पाजम को भी डिक्रीज करता है। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे कि सस्पेंशन थेरेपी बेसिकली होता क्या है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल है, किन प्रिंसिपल के बेस पे ये वर्क करती है। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।